गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपके इस चैनल पे। देखिए, आज है आपका HPGK का सेशन, 8 बजे की क्लास है। पहली चीज़, आज आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो है थोड़ा बहुत कंटेंट रह गया था, जो आपकी ज्योग्राफी एंड थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह तो वो कंटेंट नहीं बना है आपका। कल जो है वो कंटेंट डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। बट ये है कि आज आपके साथ जो है उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस है, एक प्रैक्टिस सेशन की तरह वन लाइनर्स क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डील किया है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये हाल ही में जो है, दिस इज़ वन लाइनर, कौन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें पता नहीं है, या जो क्वेश्चंस क्या हो सकता है वो देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा कंटेंट आपका रह गया था, तो वो आपका हिमाचल GK का वो हम आपका कल करवा देंगे। और थोड़ा सा आपको इसीलिए भी कि आप जो है हिमाचल GK का जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसकी सारी एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको रिफ़्रेश हो जाए। और फिर हम कल करेंगे उसकी ज्योग्राफी, और जो बचा है वो कल कर लेंगे, ताकि आपका सेशन कल ही ख़त्म हो जाए और मंडे को हम उसके वन लाइनर्स लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, और कितना आपको हिमाचल GK के बारे में पता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेरिटोरियल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज अल्पाइन जोन। हिमाचल प्रदेश का जो है, हिमाचल प्रदेश के किस प्रदेशिक क्षेत्र को अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल किस जगह पे रहता है? हिमाचल जो है वो हिमालयस के कौन से पार्ट में रहता है? पहला क्वेश्चन ये कि हिमाचल जो है वो किस में रहता है? वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। कितना कवर करता है एरिया हिमाचल का, कितना कवर एरिया है? दैट इज़ 55673 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट का कितना है इसका? 37033 स्क्वायर किलोमीटर। 63% जो है ये आपका कवर करता है, 66% या 63-66%। तो ये जो आपके जोन्स हैं, देखिए, अल्पाइन जोन द जोन जो कि ऑलमोस्ट कवर्ड विद द स्नो, जो स्नो से हमेशा कवर रहता है। तो इसका मतलब स्नो से कवर रहने वाला 3 जोन्स पे होता है। एक होते हैं आपके लोअर हिमालयस, ठीक है, जिसको आप शिवालिक्स बोलते हो। फिर एक होते हैं मिड हिमालयस, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपके इनर हिमालयस। ये आउटर हैं तो ये इनर है। और एक होते हैं ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री वो जोन है जो कि एक अल्पाइन जोन है। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या है, अल्पाइन जोन, दैट इज़ ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस जो कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, 4500 से लेकर आपका 7500 तक, ठीक है, 45 से 7500 तक। और इसमें सबसे आपका जो है, इसमें ट्रांस हिमालयन रेंज भी आती है, जिसको झांस्कर से अलग किया जाता है, तिब्बत से अलग किया जाता है। कौन करती है? झांस्कर रेंज। और हमारे हिमालय, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला, ठीक है। डैश इज लोकेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। कुछ भी आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसके बारे में, आप कितना जानते हो, दिस इज़ द रिविज़न। आप इसको रिविज़न सेशंस भी बोल सकते हो। वन लाइनर MCQs में हम टिक लगाने हैं। आपके आगे ये क्वेश्चन रखा है, दिमाग दौड़ाओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर्स, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मतलब वो आपके हिमाचल GK टिप्स पे होने वाली है। मतलब इससे आपका हिमाचल GK, मुझे इतना लगता है कि वन लाइनर सीरीज से आपका हिमाचल GK वन जो है वो टिप्स पे और अच्छे से हो जाएगा। डैश इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के ज़िले में चंबा में क्या स्थित है? कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, बस इतना लिखा है कि क्या, अगर ऑप्शंस होती तो आप उसके हिसाब से लिखते हैं। अब आप सोचो चंबा जिला में क्या लोकेटेड है। सबसे पहली चीज़, चंबा किस नदी पे लोकेटेड है? दैट इज़ रावी, जिसको परुषनी बोलते हैं, बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी को, चंबा को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। 84 भरमौर को क्या कहा जाता है? 84 टेम्पल्स, वैली ऑफ 84 टेम्पल्स। चंबा को बनाने वाले कौन थे? साहिल वर्मन। भरमौर को बनाने वाले कौन थे? मारू वर्मन। भरमौर से चंबा करने वाले कौन थे? साहिल वर्मन। 84 टेम्पल्स किसने बनाए? मेरू वर्मन ने। गणेश वर्मन कौन थे? जिसने सिंह की सिंह सरफेस जो लगाया था, सरनेम लगाया था। और आदित्य, जिसने वर्मन की उपाधि लगाई थी।
मुशान वर्मन कौन थे जिसने चूहों को प्रतिबंध किया था? चड़क सिंह कौन थे जिसने सती प्रथा का उल्लंघन किया था? श्याम सिंह कौन थे जिसने श्याम सिंह हॉस्पिटल बनाया था? छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं। भूरी सिंह कौन थे जिसको चाल रिवाज ने गद्दी पे बैठाया था? 1910 में उसने बिजली घर बनाया, फोक म्यूजियम बनाया। ठीक है, ये चीज़ें आ गई आपकी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद लक्ष्मण वर्मन जो कि लास्ट रूलर था, लक्ष्मण सिंह जिसने 1935 में जो है ये गद्दी पे बैठा था, राज सिंह, राज सिंह के टाइम पे चंबा पेंटिंग जो थी वो सबसे होती है, उम्मेद सिंह जिसके टाइम पे आपने नड्डा महल बनाया था, प्रताप वर्मन जिसने मृकला टेम्पल बनाया था, जस्ता वर्मन जिसके जो है लोहा टिकरी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। कितना कुछ आपने लर्न कर लिया चंबा से। ठीक है, टेम्पल्स कौन से हैं? गौरी शंकर टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, आपका नरसिंह टेम्पल है, चंबा की मिंजर फेमस है, मणि महेश फेमस फॉर छड़ी यात्रा आपकी जो है, ये सारी चीज़ें चंबा में है। कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी है, तो आपको क्या क्या चंबा से याद आ रहा है आप लिखते चलिए। विग्ने कब आए थे, लॉर्ड कर्जन भी आए थे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको चंबा की याद दिलाएंगी। विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी में सबसे अधिक नदी कौन सी है? तो ईस्टर्न मोस्ट, देखिए मोस्टली नदियाँ यहाँ पे कौन सी है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, आपकी चिनाब है और यमुना है, ये सारी वेस्टर्न है। यमुना इज़ द ईस्टर्न मोस्ट, पूर्वी नदी है जो कि सबसे छोटी नदी है। हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना। वैसे ये लंबी है पर सबसे कम कौन सी बहती है? यमुना, जिसको कालिंदी बोलते हैं। कालिंदी का रिलेशन सन के साथ है, इसको जो है ताजे वाला से ये बाहर हो जाती है और खोदर मजरी से ये शिमला में एंटर करती है। ठीक है, बसपा, बसपा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ बसपा वैली, जिसको आप बसपा रिवर, ठीक है, बसपा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ बसपा रिवर जो कि कड़छम से निकलती है, बसपा पहाड़ियों से निकल के कड़छम में सतलुज से मिलती है। बसपा को सांगला वैली भी बोलते हैं, सबसे सुंदर वैली है, इसमें कामरू जो है इसमें पड़ता है, कामरू विलेज जो है वो बसपा वैली पे पड़ती है, भोजपत्र इस पे मिलता है। बसपा ट्रिब्यूटरी अगर है तो ये किसकी वैली, ये किस डिस्ट्रिक्ट की वैली है? किन्नौर की वैली है, जिसको अश्वमुखा भी बोला जाता है, कुन्नू मोने सब बोला जाता है। चीनी से निकली थी, 1960 में बनी थी। कितने क्वेश्चंस आपको लर्न हो गए, ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे। द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज, इट्स ड्राई, ठीक है, अल्पाइन, एरिड, अल्पाइन है ये, ड्राई एंड अल्पाइन, ठीक है, क्योंकि स्पीति इज़ कॉल्ड एज द रेन शेडो इफेक्ट्स, इसको स्पीति इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस, जिसको क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट्स वो क्या रहती है, ड्राइएस्ट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, क्लाइमेट जो होता है ये सूखा रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, ठंडा रहता है, ड्राई एंड कोल्ड। नेक्स्ट, विच लेक इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स, लेक कौन सी लेक है जो फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है? तो ऐसी झील जो फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है वो कौन सी है आपकी? रिवालसर। कहाँ पे है? मंडी में है, ठीक है, किसने बनाई, किसके मंडी में है रिवालसर झील, जो कि किससे रिलेटेड है? पद्म संभव से रिलेटेड है, जिसको हम लोटस पद्मकैन भी बोलते हैं, ठीक है, सिसु फेयर इस पे लगता है, आपका तीन हिंदू तीन बुद्धिस्ट वन सिख गुरुद्वारा यहाँ पे है। रिवालसर की अगर और बात करो तो रिवालसर का मंडी, पद्म संभव, लोटस, सिसु फेयर और क्या बोल सकते हो आप इसको, रिवालसर झील में पद्म लोमाश ऋषि जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसको लेक ऑफ सेवन फ्लोटिंग रीड्स भी बोलते हैं। मंडी में प्राशर झील भी है जिसमें वन टापू है, फ्लोटिंग रीड है, कुमारवा, कामरूना, ये सारी जो है आपकी कहाँ पे है, आपकी मंडी में। द हिमाचल प्रदेश रीजन प्रोवाइड्स वाटर टू, जो आपका हिमाचल प्रदेश रीजन है वो पानी कहाँ से, उसको जो पानी मिलता है, उसकी जो पानी मिलता है उसको नदियों से मिलता है, रिवर्स से मिलता है, और रिवर्स किसकी ट्रिब्यूट, किस पार्ट का मेजर ड्रेनेज सिस्टम क्या है इसका? इंडस और गंगा, इंडस और गंगा जो है इसके मेजर रिवर सिस्टम से ड्रेनेज जो है हिमाचल प्रदेश को कौन देता है? सिंधु नदियाँ, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और गंगा से है यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? यमुना।
द टेम्पल एट द टॉप ऑफ चूड़धार, चूड़धार की पहाड़ियाँ कहाँ पे होती हैं, सिरमौर में होती हैं, ठीक है। जिसको किसने बनाया था, राजा रसालू ने बनाया था, सुलेकिना डायनेस्टी यहाँ की थी, ठीक है, ये याद रखना। सिरमौर इज ऑल्सो फेमस फॉर लार्जेस्ट नेचुरल लेक, यहाँ पे है। करम प्रकाश ने जो है नाहन बनाया था, फतेह प्रकाश ने आपका शीश महल बनाया, वीर प्रकाश ने आपका रावणगढ़ फोर्ट बनाया, जातकगढ़ फोर्ट बनाया रणजोर सिंह ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इज शमशेर सिंह जिसने लेटन मेमोरियल, रानी ताग बार, नाहन फाउंड्री, सिरमौर बैंक सब इसने बनाए, लास्ट रूलर इज राजेंद्र प्रकाश। अमर प्रकाश के टाइम पे काला आम, महिमा लाइब्रेरी, कितना कुछ हो गया। अब टेंपल जो है चूड़धार में वो कौन सा है, टॉप पे कौन सा है, शिव टेंपल है। शिव टेंपल जो है चूड़धार की पहाड़ियों में सबसे टॉप पे है। शिमला और सिरमौर को कौन अलग करता है, सोला सॉरी चूड़धानी लेक, खरसली जो लेक है, खरसाली लेक या खरसली लेक, ये कहाँ पे है, तो ये खरसाली लेक जो है ये चीड़ गांव में है। चीड़ गांव पे फ्लड आया था, कौन सी नदी बहती है, आंध्रा, आंध्रा नदी, और आंध्रा नदी पे फ्लड आया था, किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, ठीक है। स्पेल वैली इज सिचुएटेड इन, स्पेल वैली जो है ये कहाँ पे है, ये है रोहडू में, स्पाइल वैली। रोहडू इज फेमस फॉर फिश, फिश फार्मिंग या फिश मार्केट दैट इज कॉल्ड स्पेशली गेम्स इज एंगलिंग, ये किसके लिए फेमस है, एंगलिंग के लिए फेमस है। तो कैसे लगे आपको ये 10 क्वेश्चंस और कितना आपको याद हुआ है, मज़ा आया या नहीं आया, या फिर आपको सेशन अच्छा नहीं लगा तो जल्द से बताइए। बट अगर आपको ऐसा सेशन अच्छा लगा, डू यू वॉन्ट मी, क्या ये हिमाचल जी के का हम वन लाइनर्स लाएँ या HP MCQs लाएँ, अगर ऐसे आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने सिर्फ वन लाइनर्स इसलिए पकड़े कि MCQs भी हम करते हैं, MCQs में हम टिक लगा लेते हैं, उसमें भी मैं क्वेश्चंस की ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर वन लाइनर्स का मतलब कि हम उस टॉपिक से कितना कुछ याद कर सकते हैं। मेन टारगेट हमारा वो होना चाहिए कि माइंड कितना ट्रिगर करता है हमारा, ठीक है। इट्स द ब्रेन गेम, जिसको आप बोल सकते हो इट्स द ब्रेन गेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, इसका जो आंसर आएगा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का वो है आपका सिरमौर में। सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, इसको कर्नल शेर जंग भी बोलते हैं। सिरमौर में एक सुकेती फॉसिल पार्क भी है, फॉसिल पार्क, यहाँ पे रेणुका सेंचुरी भी है जो कि फेमस है सफारी और एशियाटिक लाइंस के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में। टोटल पार्क्स कितने हैं, 5, कितनी सेंचुरीज हैं, 33, ठीक है। हु फाउंडेड मॉडर्न कुल्लू शहर, देखिए कुल्लू रियासत का स्थापना किसने की थी, बिहिंगमिंग पार्क, इसने कैपिटल क्या रखी, जगत सुख, ठीक है। उसके बाद नगर की विशुद्ध पाल ने, ठीक है, ज्ञानेश्वर, जतेश्वर, हितेश्वर, ये सारे रूलर आए थे। उर्दन पाल ने संध्या देवी टेम्पल, लास्ट पाल डायनेस्टी का कौन था, कैलाश पाल। उसके बाद आए बहादुर सिंह, बहादुर सिंह ने इसकी कैपिटल फिर से क्या कर दी, जगत सुख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इज जगत सिंह, जगत सिंह ने सुल्तानपुर पे जो है विजय पाई, इसलिए इसका कैपिटल सुल्तानपुर कर दी। इन्होंने रघुनाथ रथ यात्रा शुरू की, ठीक है, रघुनाथ मंदिर इन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है कुल्लू जो है वो 7 वजीरीज में डिवाइडेड है, 7 वजीरीज में डिवाइडेड है। अजीत सिंह वॉज द लास्ट रूलर, अजीत सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे, ठीक है। हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ आर्यन देवोदास, देखिए आर्यों की लड़ाई किसके साथ चली थी, शांभर के साथ, कितने साल चली थी, 40 साल चली थी, कितने फोर्ट्स थे शांभर के पास, 99। जो आर्यन किंग था देवोदास, इसने शांभर को हराया, तो कहाँ पे हराया था, लड़ाई कहाँ पे हुई थी, उद्भ्रज में हुई थी। तो ये जो आर्यन किंग थे, इसके जो लीडर थे वो कौन थे, ऋषि भारद्वाज, कौन थे आपके, ऋषि भारद्वाज। फिर बैटल ऑफ 10 राजन हुई, जो कि इनका बेटा सुदास और 10 आर्यों के बीच में हुई थी,
10 आर्यों के बीच, जिनका 10 आर्यों के जो गुरु थे वो कौन थे? ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। विच रूलर ऑफ केहलूर वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, कौन सा ऐसा रूलर है जो, कौन सा मुगल शासक है, केहलूर बीरचंद ने बनाया, केहलूर का ऐसा कौन सा शासक है जो अकबर का कंपेनियन, दैट इज कॉल्ड रतन चंद। केहलूर बीरचंद ने बनाया, बुंदेलखंड में आपकी जो है कौन सी नैना देवी कैपिटल रखी, ठीक है। हु फाउंडेड द प्लेस सुजानपुर टीरा, सुजानपुर टीरा अभय चंद ने बनाया, कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, हमीरपुर में पड़ता है, एकमात्र सैनिक स्कूल जो है यहाँ पे है, प्लेग्राउंड भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। सुजानपुर फोर्ट, सुजानपुर सिटी बनाई हरमंद चंद ने, चामुंडा टेम्पल यहाँ ने बनाया, होली जो है यहाँ की फेमस है, संसार चंद ने यहाँ पे रूल किया था, और संसार चंद ने जो है यहाँ पे ब्रज की होली, मुरली मनोहर, गौरी शंकर टेम्पल और नर्मदेश्वर इन्होंने बनाए। तो अभय चंद ने जो है सुजानपुर टीरा, पहले अभय चंद ने सुजानपुर टीरा बनाया, फिर सिटी बनाई थी घमंड चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सेंट बाय द जहांगीर इन 1618 टू कैप्चर फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट, जहांगीर ने किसको कांगड़ा किला के लिए भेजा था कैप्चर करने के लिए, सूरजमल को। लेकिन क्या हुआ था, सूरजमल को जितनी बार भी भेजा, कभी कोई लड़ाई होगी, कभी कुछ हो गया, तो बाद में जो है जब हुसैन कुली खान को वापस बुलाया था जहांगीर ने, तो फिर सूरजमल ने जो है किसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, जहांगीर के बेसिस पे, जिसमें रायजीत को भेजा गया, ठीक है, और फिर इसको हराया गया। प्रताप वर्मन ने इसको सलाह दी कि अपने आप को सरेंडर कर दिया जाए। सूरजमल का जो भाई था उसने, किस, जगत सिंह, उसने साथ दिया था जहांगीर का, और 1622 में इन्होंने कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था, नूरपुर जो कि धमेरी, ठीक है, सूरजमल नूरपुर का राजा था, ठीक है, नूरपुर का नाम जो कि धमेरी था उसको बाद में क्या किया गया, नूरपुर किसके वजह से रखा गया, नूरजहां, क्योंकि वो यहाँ आए थे, जहांगीरी दरवाजा और जहांगीरी फोर्ट किला, ये नूरपुर के कांगड़ा किला में बनाया गया है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। हु सेट अर्के टाउन, देखिए भागल रियासत कहाँ पे थी, किसकी पार्ट था ये सोलन का, उसको बनाया था अजय देव ने, ठीक है। उसके बाद अर्की को जो बनाया, सभा चंद ने बनाया, ये किसका हेडक्वार्टर था, गोरखास का हेडक्वार्टर था, राजा कृष्ण चंद ने जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जिसकी वजह से उसको टाइटल राणा का मिला था। राजा राजेंद्र सेन वॉज द लास्ट रूलर, राजेंद्र सेन जो थे वो लास्ट रूलर थे। जगत सिंह जो थे इसके टाइम पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है नालागढ़ में कहते हैं कि स्टेशन किया था, छुपे थे। अनिरुद्ध भी जो था यहाँ पे छुपा था, ठीक है। तो आंसर इज अर्की सभाचंद। इन विच ईयर पझोता मूवमेंट टुक प्लेस इन सिरमौर, 1942 में, कब हुई थी, 1942, किसके टाइम पे, राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे। सिरमौर प्रजामती मंडल भी जो था वो इसी टाइम पे बना था, पझोता हंदल, हमोली जगह थी, हमोली जगह, ठीक है। इन विच ईयर हिमालयन रियासती प्रजा मंडल वॉज, 1939 में बना था ये, ठीक है। आपका जो हिमाचल रियासती प्रजा मंडल था ये 1939 में बना था। इसमें जो मेन लीडर्स थे वो थे पदम सिंह, पदम देव, जो कि कब के थे, शिमला के थे, और भागमल सोठा फ्रॉम जुब्बल। पदम देव जो थे वो साथ में आर्य समाज लोगों के साथ चले गए। फिर हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की पूरी देख रेख भागमल सोठा जो कि जुब्बल से थे, इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने धामी फायरिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, भागमल सोठा से। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप इन जुब्बल। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जब रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सरकार जुब्बल से, कौन था, भागमल सोठा, कौन था आपका, भागमल सोठा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयन हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा, ये कब बना था, 1974 में बना था। ये किसके लिए है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स क्लियर करते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ये बना है, और ये है कहाँ पे, शिमला, शिमला के कहाँ पे, फेयर लॉन में,
कहाँ पे है ये? फेयरलॉन, ठीक है, फेयरलॉन शिमला। किन्नर्स आर, किन्नर्स क्या होते हैं? किन्नर्स होते हैं अश्वमुखा, हाफ घोड़े हाफ मुंह वाले। किन्नर्स को खुन्नू भी कहा जाता है। कौन कहता है खुन्नू? तिब्बतियंस। किन्नर्स को मोने भी कहा जाता है, सेड बाय लद्दाख पीपल। किन्नर्स आर वॉट? किन्नर्स आर अश्वमुखा, आपके तिब्बतियंस, खुन्नू, मोने। तो ये जो हैं आपके किन्नर्स, इनको आप क्या कहते हो? किन्नर्स आर कॉल्ड एज अ ट्राइब्स, दीज आर द पेस्टोरल ट्राइब्स। क्या है ये? चरावाहे हैं, ठीक है, इधर उधर भटकते रहते हैं। व्हाट आर जार्स? जार्स आर बुद्धिस्ट। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कहाँ पे होते हैं? लाहौल स्पीति में, ठीक है। लद्दाख फेयर इज हेल्ड एट लाहौल स्पीति। इसका न्यू ईयर भी बोलते हैं, इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोलते हैं। बूढ़ी दिवाली इज द विक्ट्री ऑफ खस ओवर कोल्स। फर्स्ट इनहैबिटेंट्स वर द कोल्स। पहले इनहैबिटेंट्स कौन आए थे? कोल्स और मुंडाज आए थे, फिर उसके बाद खस आए थे, ठीक है। तो आंसर इज कोल्स। बूढ़ी दिवाली जो है ये कहाँ पे मनाई जाती है? कुल्लू में मनाई जाती है, निरमंड में, दिवाली के बाद। निरमंड किससे रिलेटेड है? परशुराम से। परशुराम कौन थे? रेणुका के पति, रेणुका के सॉरी बेटे, जमादगनी इनके पति थे और परशुराम के फादर, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीर्थगढ़ी गरही गुरुद्वारा। इज आपका तीर्थगढ़ी गुरुद्वारा कहाँ, गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो ये है आपका पौंटा साहिब। पौंटा साहिब, पौंटा साहिब में किसने गुरुद्वारे बनाए हैं? गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो किसके टाइम पे आए थे? मत प्रकाश के टाइम पे, यानी मधानता प्रकाश के टाइम पे आए थे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। हॉर्टिकल्चर म्यूजियम कहाँ पे है? ये जो है आपका शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला। शिमला की कौन सी जगह? नव बहार, नव बहार, ठीक है। सेंट स्टीफन्स चर्च, सेंट स्टीफन्स चर्च जो है ये कहाँ पे क्रिएटेड एट, कहाँ पे बना है? सोलन। सोलन इज टोटली डेडिकेटेड टू मशरूम सिटी और रेड वैली फॉर द टमाटोज, जो कि स्प्रून वैली में होते हैं, इसको डून वैली भी बोलते हैं। और ये जो है स्टीफन चर्च भी कहाँ है? आपका सोलन में है, ठीक है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, पपरोला का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कहाँ पे है, कब बना था? 1978 में। इसी में आपकी पालमपुर यूनिवर्सिटी भी बनी थी, इसी ईयर पालमपुर यूनिवर्सिटी, जिसको चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। हमारी HPU कब बनी थी? 1970 में। हमारी चौधरी YS परमार बनी थी 1985 में। आपका जो 1998 में क्या आया था? पब्लिक सर्विस SSC कब आया था आपका? 1998 में। और याद रखना इसके कौन थे पहले? KL मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच रूलर ऑफ चंबा बैन टू किल रैट्स? तो ये थे आपके मुशान वर्मन। कौन थे आपके? मुशान वर्मन, जिन्होंने चूहों का पे प्रतिबंध लगाया। ये जो थे ये वीर सैन, जो कि सुकेत के राजा थे, उन्होंने इसको पनगना जो थी कैपिटल दी थी अपनी, क्योंकि मुशान वर्मन की शादी वीर सैन की बेटी से हुई थी, जो कि सुकेत के राजा थे। तो ये थे मेरे ख्याल से आज के इतने से ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ गिव मी द कमेंट्स कि आपको ये सेशन मज़ा आया, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि सीधा आप MCQs पर रिलाई करोगे। भाई अपना पोल या अपना कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जितने आएंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। और जैसे ही लाइव आएंगे फिर तो आपका पता चल जाएगा, बट अभी क्या चाहिए। और ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा और इन्जॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जितना हो सकता है कीजिए, लाइक कीजिए। एंड फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ये जस्ट एक रिफ्रेशिंग थी कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसका एक तरह से रिवाइव हो जाए, एक ब्रेक, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी करेंगे और मंडे को फिर आपका पूरा वन लाइनर्स करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए और
सिक्स, ये जो 6 डेज का क्रैश कोर्स है एक बार जरूर देखना, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे फिट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने पेपर कल देना है। टाइम से जाइए, अच्छे से पेपर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कोई भी स्टूडेंट, कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी जिनका पहले पेपर हो जाता है, आपका बहुत बहुत बड़ा मेरे पे हेल्प होगी अगर आप इस पूजा गुप्ता 3301@gmail.com पे अपना पेपर शेयर करेंगे, PDF, ठीक है, या पूजा गुप्ता चैनल, पूजा गुप्ता चैनल जो है आपका 3301 टेलीग्राम लिंक है, इस पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, पूजा गुप्ता चैनल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।